गाजियाबाद में विजयनगर पुलिस ने दो फर्जी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया है। रोड पर ये दोनों वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों से रुपए लूट लिया करते थे। इनके पास से पुलिस के फर्जी आईडी कार्ड और हथियार बरामद किए गए हैं। इन्होंने अब तक नकली पुलिस वाले बनकर दर्जनों लोगों के साथ लूट की थी। पुलिस इनके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। ये रोड पर वर्दी पहनकर खड़े हो जाते थे और वाहनों को रुकवा लिया करते थे। वाहन चालक डर जाते थे, ये उन्हें कहते थे कि उनके कागज पूरे नहीं हैं, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ऐसे में वाहन चालक इन्हें पुलिस वाला समझकर अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई दे देते थे। जाहिर है, अगर एनसीआर में आपको भी कोई पुलिस वाला रोक कर ये कहता है कि वाहन के कागज पूरे नहीं हैं और आपको जेल जाना पड़ सकता है, तो जरा होशियार हो जाइए, क्योंकि वो नकली पुलिस वाला हो सकता है, क्योंकि इनके दो साथी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। काम कर रही थी और सूचना मिलने पर ये आज विजयनगर पुलिस को अच्छी सफलता मिली है, जिसमें कि दो वे शातिर अभियुक्त जो कि पहले से भी जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है वे गिरफ्तार किए गए हैं। और ये नकली पुलिस वाला बन करके और क्राइम ब्रांच का बन करके या किसी और संस्था का बन करके उगाही का काम करते थे और मुकदमा जो पंजीकृत किया गया था उसी क्रम में इनको पीसीआर का कस्टडी रिमांड भी लेंगे हम लोग। इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है, एक तमंचा बरामद हुआ है। पिस्टल में अपनी डोरी भी वैसे ही इस्तेमाल करते थे जो अमूमन एक पुलिसकर्मी इस्तेमाल करता है। इनके पास से एक आइडेंटिटी कार्ड भी बरामद हुआ है जो मानवाधिकार या क्राइम के नाम पर ये लोग यूज किया करते थे। तो एक फर्जी संगठन था, एक फर्जी गिरोह था जो कि नकली पुलिस वाला बनकर के अवैध उगाही का काम करते थे।